जिस खून में जोश नहीं वो साला खून ही नहीं। तो गाइस यार स्वागत है आपका एक बार फिर से मिस्टर इंडियन हैकर स्टूडियो टूर के पार्ट टू में। और जिन भी लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है तो वो पहले जाके पार्ट वन देखना, तभी जाके आपको पार्ट टू की जो वैल्यू है उसके बारे में पता चलेगा। तो चलो अब खोलते हैं इस बड़े वाले गेट को। ऑलराइट गाइस, तो 1 2 3 अब स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन हैकर स्टूडियो के अंदर। तो गाइस उस बड़े गेट के अलावा यहाँ पर एक छोटा गेट भी है जिससे भी इस स्टूडियो के अंदर एंट्री की जा सकती है। और उसके पास में ही है यहाँ पर हमारा कुआं जो कि सच में बहुत ज़्यादा गहरा है। आ जाओ कुआं भी दिखा दो बिल्कुल पास से। और अगेन देखो ये कुआं है। और अगेन गाइस जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो अच्छे से जानते हैं कि पहले ये कुआं कैसा था और अभी ये कैसा है, ठीक है। और उससे अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो इस साइड के अंदर अभी के वक्त में आपको बहुत सारा कबाड़ दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा वीडियो से रिलेटेड कबाड़ है। फिर इससे आगे आते हैं यहाँ पर तो वो जो आप खेत देखते हैं जिसके अंदर मिस्टर इंडियन हैकर लिखा हुआ है वो ये रहा। ये देखो इसके अंदर घास है और ये लिखा हुआ है मिस्टर इंडियन हैकर। और फिर इधर आपको खुला देखने को मिल जाएगा, बीच के अंदर एक नींबू का पेड़ है। और फिर यहाँ पर एक गेट है जो कि उधर के जो खेत है उनके अंदर जाने के लिए वहाँ पर भी एक गेट है। और इस पूरी दीवार के अंदर गाइस आ जाओ देखो इन सभी दीवारों के अंदर प्लग्स हैं। एक ये रहा, ये रहा, ये पूरा इस तरीके से जितनी भी दीवार है सबके अंदर लाइट के प्लग्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के प्लग्स हैं। आ जाओ और यहाँ पर आपको दिखेगा एक बहुत बड़ा मेन गेट। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने वीडियो के टाइटल के अंदर 5 करोड़ क्यों लिखा, यानी कि वर्थ 5 करोड़, तो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, तब तक आप देखते जाओ। तो अभी तो ये गाड़ी इधर इसलिए खड़ी हो रखी है सभी की क्योंकि आज मैंने सभी को यहीं रुकने के लिए बोला है, तो कोई भी इधर उधर नहीं गया हुआ है, सब यहीं पे है। ये गाड़ी इधर है, ये गाड़ी उधर है, एक बोरी वो देखो। तो यहाँ पर आते ही आपको ये बड़ा सा गेट दिखता है, उसके पास में एक छोटा सा गेट यहाँ पर है, यहाँ पर खिड़की है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बॉक्स है और यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए। देखो पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, ठीक है। इधर यहाँ पर ये जो स्टैंड है इसके ऊपर जूते वगैरह रखे जाते हैं क्योंकि अंदर कोई भी शूज़ पहन के नहीं जाता है। इधर आ जाते हैं, जल्दी 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इधर यहाँ पर एक कूलर है काफ़ी बड़ा क्योंकि अंदर का जो हॉल है उसके अंदर बड़े कूलर की ज़रूरत होती है। एक ये रहा और एक ये रहा और ये रही हमारी रानी। भाई इससे बेहतर गाड़ी हो ही नहीं सकती, इसे हमने बॉम्ब से उड़ा दिया और क्या कहते हैं रिमोट से चला दिया, न जाने कितने सारे अत्याचार इस पे किए लेकिन अभी भी ये चलती है, बिल्कुल चलती है, ठीक है। और इधर अगर अपन आगे आते हैं तो यहाँ पर आपको एक घास काटने की मशीन दिख जाएगी, ये रही। और यहाँ पर ये वॉशरूम है, ये स्नान घर है नहाने के लिए। और फिर उससे आगे आते अपन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब अपन एंटर करते हैं मेन स्टूडियो के अंदर, ठीक है आ जाओ। तो यहाँ से एंट्री होती है, आ जाओ और पीछे आ जाओ और पीछे आ जाओ। और अगर अपन इधर इस तरीके से घूमते हैं, मैं गेट को बंद कर देता हूँ, तो यहाँ पर एक कर्टेन है, ठीक है, पर्दा लगा हुआ है, यहाँ पर एसी लगी हुई है, यहाँ पर टीवी लगी हुई है, इतनी बड़ी स्क्रीन है, किसी को मूवी वगैरह देखनी हो या फिर किसी को गप्पे शप्पे मारने वाला कि इतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन जब बनवाया था तब ऐसा सोचा था तो लगवा दिया। हालांकि ये टीवी अधिकतर बंद ही रहती है, ठीक है। ये हमारा गोल्ड प्ले बटन है, पास से दिखाओ, ये भी दिखाओ और सिल्वर प्ले बटन भी दिखाओ अपना। और उसके बाद में यहाँ पर आपको एक घड़ी देखने को मिल जाती है, यहाँ पर एक कांच की खिड़की है, यहाँ पर एक सोफ़ा है, यहाँ पर भी एक सोफ़ा है, यहाँ पर भी एक सोफ़ा है और यहाँ पर भी एक खिड़की है। अब ये किस काम में आती है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और ऊपर की तरफ आप देखें तो 4 लाइटें हैं और एक फ़ैन है, एक पंखा है, ये देखो एक पंखा लग रखा है। और अब आ जाओ, अभी मैंने जितनी भी मेहनत की है, जितना भी मैंने अपनी लाइफ के अंदर किया है, वो सब कुछ इस गेट के बाद शुरू होता है। आ जाओ, वेलकम।
वेलकम। ओ तेरी, अबे एसी किसने चला रखा इतना खतरनाक। बाहर गर्मी में वीडियो शूट करते, अंदर आते एकदम चिल चिल। तो गाइज ये है मेन स्टूडियो, यहीं पे हमारी सुबह होती है, यहीं पे हमारी शाम होती है, रात भी यहीं पे हो जाती है। तो बारी इधर से दिखाना शुरू करते हैं आपको। यहाँ पे काफ़ी सारे बैग्स हैं, इन सभी के अंदर कैमरे भरे हुए हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के। इसके अंदर भी कैमरा भरा हुआ है, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, सबके अंदर। और ये एकॉस्टिक फॉर्म है, आपको आवाज़ के अंदर वैसे ही फ़र्क पता पड़ गया होगा उस रूम से इस रूम के आने में। तो इधर देखो, इधर एक ऐसी है, एक पिलर है, इसके ऊपर भी हमने एकॉस्टिक फॉर्म लगा रखे हैं। उसके बाद में इधर आ जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारी ड्रॉवर्स हैं, इसके अंदर लेंस वगैरह हैं, कार्ड्स वगैरह, मेमोरी कार्ड्स, हार्ड डिस्क वगैरह, वो सारी चीज़ें ऊपर वॉकी टॉकी रखे हुए हैं, यहीं पे रखे रहते हैं। मतलब जो चीज़ जहाँ की है वो वहीं रहनी चाहिए, ये यहाँ का बिल्कुल उसूल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैविक की बैटरी रखी हुई है, ये कुछ है, और साथ ही साथ इसके अंदर ये पूरा, ये भी कैमरों से भरा हुआ है, ठीक है, ये सारा पूरा कैमरों से भरा हुआ है। फिर यहाँ पर एक खिड़की है, यहाँ पर ये हमारा पुराना गिम्बल रखा हुआ है, देखो यहाँ पर एक खिड़की है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुकून देती है। वो इसलिए क्योंकि जब भी आप खिड़की खोलते हैं तो देखो, आय हाय 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 हाय, देखो बिल्कुल फ्रेश ऑक्सीजन, जो लद्दाख में नहीं थी वो यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो इसे बंद कर देते हैं अपन, उसके बाद में इधर आते हैं अपन। तो यहाँ पे एक बोर्ड है, तो जो भी काम करना होता है, किसी के मन में कोई आइडिया होता है, फिर किसी को कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करनी होती है, तो वो बोर्ड पे की जाती है, या फिर कोई नया क्रिएटिव आइडिया हो आता है तो वो भी यहाँ पे लिखा जाता है। ऊपर भी एक ऐसी लगा हुआ है, ये पूरा एकॉस्टिक फॉर्म से ढका हुआ है, ये देखो, यहाँ से, 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 यहाँ से। और यहाँ पे अगर अपन आ जाते हैं तो ये रहा अपना मेन एडिटिंग सेटअप। ये एक ब्लू कलर की एकॉस्टिक फॉर्म है जो कि दब जाती है। यहाँ से थोड़ा आगे आते हैं तो यहाँ पे सीपीयू रखा हुआ है, उधर दो ड्रॉवर्स, उसके अंदर भी सामान रखा हुआ है, और यहाँ पे ये 3D प्रिंटर है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि वीडियोस में तो नहीं लेकिन हमारी पर्सनल काम के अंदर काम आती है, तो उसके लिए 3D प्रिंट है, वो हम खुद ही बना लेते हैं। उसके बाद में एक और सीपीयू यहाँ पे आ जाता है, ये हार्ड डिस्क लगा रखी है इसने, ऊपर भी हार्ड डिस्क लगा रखी है, और ये देखो ये 3D मॉडल बना रहा है वीरेंद्र, ठीक है। और ये यहाँ पे iPad रखा हुआ है, iPad की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से लिंक है, वो तीनों मॉनिटर एक दूसरे से लिंक्ड है, ये दोनों एक दूसरे से है, ठीक है। और यहाँ पर ये CA के लिए जो अकाउंट संभालता है उसके लिए मशीन है, ये मैविक अभी अभी शॉट लिया था तो यहीं पे रख दिया गया है। और ये है रवि, ठीक है, टाइम भाई बहुत कम होता है, तो मतलब कि ये थोड़ा सा अभी घूमने में वक्त नहीं मिलता, शूट हुआ चलो जाओ जल्दी से अपने अपने काम पे लग जाओ फटाफट से। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और मेविक रखा हुआ है, दो मेविक है क्योंकि मुझे पता है कि कब अपना ड्रोन टूट जाए, इसलिए एक एक्स्ट्रा में रहता है। ये फैंटम है पुराना वाला, ये देखो, ठीक है। और नीचे ये मैट बिछा रखी है, और सभी जगह पे कनेक्शंस है, जैसे बाहर की दीवार में थे वैसे ही, ये देखो पूरी नीचे कनेक्शंस है। और यहाँ पर भी एक बड़ी खिड़की है, ये देखो ये पूरी खुल जाती है, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि इससे क्या दिखता है, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन इधर आते हैं तो ये बहुत सारे अकाउंट्स की चीज़ें पड़ी हुई है, ये रवि जाने और इसका काम जाने, यही जानता है ये क्या क्या कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रिंटर है, कुछ भी प्रिंट करना होता है तो प्रिंट कर लेते हैं, ये वही संभाल कर रख रखा है और हमेशा रखूँगा क्योंकि इसी से शुरुआत की हुई है, ठीक है। और यहाँ पे भी मैट है, यहाँ पे ये वाला सीपीयू रखा हुआ है, ये फिर से वही सेटअप है, ये तीनों इंटरलिंक है एक दूसरे से, और कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो ये सारे कंप्यूटर जितने भी ये सभी इंटरलिंक हो जाते हैं, यानी कि उधर की फाइल इधर आ जाती है, इधर की फाइल उधर आ जाती है, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है। उसके बाद में अगर अपन इधर आएँ तो यहाँ पे CCTV लगा हुआ है, क्योंकि भाई इतनी बड़ी जगह को संभालना बहुत भारी काम है, तो कौन कहाँ गया है, कौन क्या कर रहा है, वो सब देखने के लिए CCTV है। और इसका भी कनेक्शन इन सभी कंप्यूटरों के अंदर आ जाता है, ये आज ऐसे 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 शांति से काम कर रहे हैं जैसे कि अरे कोई दिक्कत नहीं, इतने सीरियस मत बनो। तो ये मैकबुक है जिसे कि ये संभालते हैं, ये भाई भुपसा, इनका नाम भुपसा, हम प्यार से बोलते हैं, वैसे भूपेंद्र है, तो मैकबुक यही संभालते हैं। जब लोड ज़्यादा हो जाता है, जब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं वीडियोज़ को एडिट करूँ, तो फिर ये करते हैं। उसके बाद में ये हमारे पायलट आ जाते हैं, ये ड्रोन के एक और पायलट हैं, अभी ड्रोन बैठा हुआ है तो ये भी बैठा हुआ है, ये एक और माशा आ जाते हैं, ये हमारा जो दूसरी बिजनेस साइड है, जो मेल्स वगैरह है, या फिर कुछ कुछ ऐसे काम जो कि टाइम कम होने की वजह से मैं नहीं संभाल पाता हूँ, ये विक्रम जी संभालते हैं, ये मोटा भाई संभालता है अपना, ठीक है, मैं मोटा ही बोलूंगा इसे, आप लोग कितना ही बोलोगे मोटा मत बोलो, मैं इसको मोटा ही बोलूंगा, प्यार से बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडियो, ऊपर ये लाइट्स है, ऊपर 6 लाइट्स लगी हुई है, 2 फैन है, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कोई 5 स्टार या फिर ऐसा कुछ है, लेकिन भाई हमारे लिए तो यही ड्रीम है, यही सपना है, इसमें हम खुश हैं, इसे हम जितना अच्छा बना सकते हैं उतना हमने बनाया। बात पैसे की नहीं है, बात चीज़ों की नहीं है, बात एक
दिल की है। मतलब भाई जब यहाँ पे काम चलता था ना, मैं खुद भी जब फ्री रहता था ना, मैं खुद भी वो सारे काम करता था जो कारीगर हो, चूना पत्थर या फिर राजमिस्त्री करते हैं। मैं भी हाथ बटाता था, मैं भी मेरे से जितना हो सकता था मैं करता था। खैर छोड़ते हैं, एक बार यहाँ से व्यू देख लो, इधर से देख लो, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है सीन, ऐसा कुछ है। आ जाओ लोंडो, आ जाओ, कुछ देर काम रख दो, अभी पब्लिक से बात करते हैं, बहुत दिन हो गए, इनसे भी मिलाता हूँ आपको, टेंशन ना लो। तो इस तरीके से दिखाई देता है, उसके बाद में ऐसे घूम के अपन इधर आते हैं। ये सारा एक दूसरे से इंटरलिंक है, ठीक है। इस गेट को खोलते हैं तो इधर आ जाता है अपना फ्रिज क्योंकि भाई यहाँ पे काम कब चलता है, कब खत्म होता है कुछ पता नहीं होता है भाई। सुबह कब हो रही है, रात कब हो रही है, किसी को कुछ नहीं पता रहता है। इसीलिए खाना भी अधिकतर हम खुद यहीं पे बनाते हैं, जिसको भूख लगी है भाई बना ले और खा ले, अभी कुछ भी नहीं है अरे वो हो रही हो, ये फिर से वही हो रही है, आइसक्रीम वाला सीन, ठीक है। तो इसमें भी खिड़की है, यहाँ से भी इसे खोलते ही बहुत शानदार हवा आती है। यहाँ पे आरओ लगा हुआ है क्योंकि लगा रखा है, क्योंकि कहीं पे बाहर जाना होता है तो पानी बोतलें भरनी होती है, तो खट से लगाया और भर लिया। लाइट जला दो, एक बार लाइट जलाओ, लाइट जलाओ, लाइट जलाओ, लाइट नहीं जला दो तुम, है ना। चाय पी लो फ्रेंड्स, चाय पी लो फ्रेंड्स, अभी भी बनाई है, वही बात है, चाय के शौकीन है भाई, बिना चाय के कोई काम नहीं चलता। फिर इधर से आगे आते हैं अपन, इस साइड में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ऐसे घूम के आते हैं इधर से, इधर से आ जाओ। तो इधर आपको घनघोर अंधेरा दिखाई देगा, बिल्कुल अंधेरा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अपन आगे आते जाएंगे, आते जाएंगे, यहाँ से इसे खोलते ही आपको एक और स्टूडियो देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी लाइट्स देखने को मिलेगी, कुर्सी देखने को मिलेगी, यहाँ पे भी एक बोर्ड है, इसके अंदर भी एसी लगा हुआ है और इसके अंदर भी एकॉस्टिक फॉर्म्स लगे हुए हैं, ठीक है। और इधर देखो, ये देखो ठीक है। और एक और चीज़ जो समझने वाले हैं सिर्फ वही समझ पाएंगे, जो जो समझ जाए मुझे बताना। एक सेकंड मुझे गेट बंद करने दो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, जल्दी 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 जल्दी, एक चीज दिखानी इनको, ठीक है। अभी जैसे ही मैं गेट बंद करता हूँ, देखो किस किस को ये चीज समझ आई, ये पोस्टर देखो और समझने की कोशिश करो। जिस जिसको समझ आए नीचे कमेंट करना, ठीक है, और जिससे नहीं आए वो कोशिश करना कि समझे, ठीक है। मैं फिर से इसे खोल देता हूँ, ठीक है। और फिर इधर देखो, ये पूरा ड्रॉवर्स भरी हुई है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सामान रखे हुए हैं। इधर भी ड्रॉवर्स भरी हुई है क्योंकि भाई बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे हमारा काम चलता रहता है, रिमोट कंट्रोल बनाना हो या फिर बहुत सारी चीज़ें, तो हम खुद से ही सीखते, खुद से ही करते हैं। तो ये देखो, ये ड्रोन की मोटर रखी हुई है, जितना भी बारीक आइटम है वो सारा यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में एक ड्रॉवर इधर भी है ना। और ये देखो, ये यहाँ पे बोर्ड है इस तरीके का, जितनी भी काम की चीज़ें, भाई कोई भी ऐसा काम होता है ना जो कि हमें करना होता है, तो हम बाहर से मिस्त्री या फिर वो नहीं बुलाते, हम खुद करते हैं, ठीक है, चाहे वो कैसा भी काम हो। ये देखो, फिर इधर आ जाओ, तो इधर भी एक ड्रॉअर है। फिर यहाँ से अपन बाहर आते हैं, लाइट्स ऑफ, लाइट्स ऑफ कर दो, आ जाओ, बिजली बचाओ, पानी बचाओ। फिर अपन अंधेरे में ही आते हैं, इधर अंधेरे में ही आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते हैं, मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे आओ, आओ आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और अब करते हैं शुरू, एक दो, उधर देखिए, और बैक जाओ, और पीछे जाओ, और पीछे जाओ, और पीछे जाओ, एक दो तीन, वो सालों की मेहनत, दिन रात एक करने के बाद ये है हमारा स्टूडियो, ठीक है गाइस। तो उधर सारी कारें खड़ी है गाइस, ये एक सीक्रेट रूम है, ठीक है। ये सीक्रेट क्यों है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। और इधर आ जाओ, फिर से इधर से शुरू करते हैं। तो वो जो खिड़की है उस रूम से, ये फर्स्ट रूम था, इसकी खिड़की जो है वो यहाँ से खुल जाती है, ठीक है। इधर से इसका व्यू है, इधर से इसको भी देख सकते हैं अपन। फिर इधर आगे आते हैं तो ये जो गेट था, वो जो गेट था वो इधर से खुलता है और सीधा ही इस हॉल के अंदर एंट्री हो जाती है। यहाँ पर आपको फायर एक्सटिंग्विशर देखने को मिलेंगे, ठीक है। रेत की मिट्टी है, क्योंकि पता है ना, आपको पता है हम कैसे कैसे उंधे सिंधे काम करते हैं, कभी भी आग लग जाए तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर एक सीढ़ी है क्योंकि ऊपर भी एक अपार्टमेंट है, देखो ऊपर भी एक कुछ है। फिर इधर से आगे आते हैं अपन, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये एक सीक्रेट रूम है, ये पूरा सीक्रेट रूम है, ठीक है, इसके बारे में बात ना ही करो तो अच्छा है। आ जाओ, उससे आगे आते हैं, ये देखो, ये सभी के बिस्तर है गाइस, सभी लोग यही सोते हैं, ये सबूत देख लो। ऐसे ही दिन की दो वीडियोस अपलोड नहीं होती है, ऐसे ही ये काम नहीं चलता है भाई। किसी के भी देख लेना, आंखों के नीचे गहरे मिल जाएंगे, क्योंकि कोई भी टाइम पे नहीं सोता है, टाइम पे नहीं उठता है, टाइम पे खाना भी नहीं खा पाते हैं। तो ये देख लो, ये पूरे बिस्तर बिस्तर ही बिस्तर है, सभी लोग यहीं सोते हैं अधिकतर। फिर ये रहा बोर्ड, अगर यहाँ पे भी ज़्यादा काम चलता है तो यहाँ के लिए ये बोर्ड है। यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ पे गैस वगैरह है, बहुत सारी अलग अलग तरीके की गैस आपको देखने को मिल जाएगी। ये वो गैस है जिससे हवा चेंज हो जाती है। उसके बाद में ये है लिक्विड नाइट्रोजन,
और उसके बाद में यहाँ पे सेफ्टी का अपार्टमेंट है, सेफ्टी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। इधर अपन आगे आते जाते तो देखते जाओ सभी मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। आते जाओ इधर ट्रैम्पोलिन है और यहाँ पर एक टेबल है, आ जाओ। हाँ तोड़ दो है ना। तो गाइस यार, मुझे पता है कि काफ़ी लोगों ने इंटरनेट पर इस टाइप की वीडियोज़ डाल रखी है कि मिस्टर इंडियन हैकर कार कलेक्शन, ठीक है, तो वो अभी नहीं दिखाएंगे। अगर आप लोग चाहेंगे, वरना अभी दिखाएंगे तो बोलेंगे यार शो ऑफ कर रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। अगर आपको इनके बारे में जानना है कौन कौन सी गाड़ी है, किस किस काम आती है, किस किस की है, तो मुझे नीचे कमेंट करना ज़रूर से। आपको जो रियल कार कलेक्शन है उसकी भी वीडियो हम देंगे। अभी आ जाओ, कुछ पर्सनल बातें हैं जो कि मुझे आप लोगों से करनी है। आ जाओ। हाँ, ऊपर तो मैंने दिखाया नहीं, ऊपर आ जाओ। अबे आ जाओ लोंडो, आ जाओ क्या कर रहे हो, लग जाओ। अरे ऊपर नहीं चलना है, काम पे लगो। चलो बस बहुत घूम लिया, चलो काम पे। मैं भी आ रहा हूँ ये वीडियो खत्म करके। तो गाइस आ जाओ। हाँ ये तो मैंने दिखा। अरे बस चलो गाड़ी लेने चलो। तो सारी चीज़ें हम इस तरीके से बनवाते हैं कि वो किसी भी काम में आ जाए। तो ये जो सीढ़ी है, ये इसके अंदर आगे व्हील लगा हुआ है, ये इधर उधर चली जाती है, वीडियोस के काम भी आ जाती है, बहुत सारी और भी चीज़ों में काम आ जाती है। तो फिर से लगा दो ताकि ऊपर की चीज़ दिखा दे पब्लिक को, ठीक है। और यहाँ पर पूरी लाइटिंग लगी हुई है, ठीक है, मतलब जो है वो दिखा रहा हूँ आपको। ऐसा मतलब नहीं है कि मैं मतलब कोई बड़ाई कर रहा हूँ, जो है बस वो आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपके मन में ये ना रहे, बस दिल से दिल जुड़ जाए यार कि आप मेरा घर जानते हैं, मतलब मेरा स्टूडियो जानते हैं, एक तरीके से अपना ही है। आ जाओ। इधर आ जाओ, ये भी जन्नत से कम नहीं है। आ जाओ आराम से आना, ले मेरे को दे दे बोली। आजा आराम से। गाइस यहाँ पे देखो, बहुत सारा कबाड़ आपको देखने को मिल जाएगा। कहने को कबाड़ है, लेकिन एक एक चीज़ काम की है। कुछ भी टूट फूट होती है हम उसे ऐसे ही नहीं फेंकते हैं, सारी चीज़ें ला के जमा की जाती है। प्लास्टिक की बोतल भी हम वापस लाते हैं, वो देखो प्लास्टिक की बहुत सारी बोतलें पड़ी हुई है, क्योंकि ना तो हम कचरा फैलाते हैं और ना ही हम फैलाने की कुछ ऐसा बताते हैं, ठीक है। थक गया मैं तो यार बोलते। इधर आ जाओ, यहाँ पर भी एक खिड़की है, वहाँ पर उस साइड में भी एक खिड़की है, देख लो, और उस साइड में भी एक खिड़की है, उस साइड में भी है। तो अगर अपन यहाँ से खोलें तो जो व्यू है एक नंबर। हाँ देखो, हाँ मज़ा आ जाता है गाइस यार। जब भी हम टीम को बैठना होता है, एक दूसरे से कुछ बातें करनी होती है, हम यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, ये माचा लगा देते हैं चार रुपये, और यहाँ पे बैठ के ही गुफ्तगु होती है। यहाँ पे भी एक खिड़की है, इससे हम ऊपर जा सकते हैं, ऊपर जो ये है ना टॉप, इसे जा सकते हैं। अब यहाँ से देखो, यहाँ से जो पूरा हॉल है वो दिखाई देता है, ठीक है। तो गाइस यार, ये था मिस्टर इंडियन हैकर स्टूडियो। मोटा मोटा मैंने आपको दिखा दिया, बाकी और भी चीज़ें कंस्ट्रक्शन के अंदर है, जैसे ही वो पूरी हो जाएगी तब आपको और दिखाएंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मिस्टर इंडियन हैकर मैं नहीं हूँ, बल्कि ये एक ब्रांड है, और इस ब्रांड को बनाते हैं आप सब, और साथ ही साथ मेरी टीम, हम सब मिलके बनते हैं मिस्टर इंडियन हैकर। टाइटेनियम आर्मी, दिलराज सिंह एंड माय टीम इज इक्वल टू मिस्टर इंडियन हैकर। और साथ साथ गाइस यार, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि आज मतलब जो भी है, हालांकि मैं अपनी नज़र में मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ किया है, लेकिन फिर भी जितना भी है वो सब आप लोगों की वजह से और साथ ही साथ मेरी टीम की वजह से पॉसिबल है। और मैं इस चीज़ का पूरा ख्याल रखता हूँ कि मेरी टीम के अंदर किसी भी बंदे को किसी भी तरीके की मेरे रहते हुए तो कोई भी दिक्कत ना आए। आई लव माई टीम। और गाइज एक चीज़ आपको शिकायत रहती है मुझसे हमेशा कि भाई कैमरामैन हर बार मिस रह जाता है, तो चलो आज आपको कैमरामैन भी दिखाते हैं। आ जाओ, से हाय टू टाइटेनियम आर्मी। कैसी है? बढ़िया है। लो तो गाइज, अभी जो आपने नीचे बंदे देखे वो सब ये मैं, हम सब टीम है, और साथ ही साथ कुछ और भी लोग हैं जो कि अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो किसी पर्सनल काम से कहीं पे गए हुए हैं, तो उनसे तो मैं नहीं मिला पाऊँगा, लेकिन जो अभी लोग हैं चलो उनसे मैं आपको मिलाता हूँ, ठीक है। आ जाओ। और इनका नाम है कैमरामैन का गजराज, एक और कैमरामैन है वो भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, आ जाओ। और साथ ही साथ अब मैं आपको मिलवाता हूँ अपनी टीम से, एक एक का नाम आपको बताते हैं, कौन क्या काम करता है वो भी बताते हैं, वैसे तो आप जानते हैं लेकिन फिर भी एक ब्रीफ इंट्रो देते हैं। काम पे नहीं लगे, बड़ी इच्छा हो रही है पब्लिक से बातें करने की, हैं आ जाओ।
और भाई फिर से ठंडा ठंडा यार ठंडा ठंडा। अब बात करते हैं कि मैंने टाइटल के अंदर 5 करोड़ क्यों लिखा। भाई मैं 5 की जगह अगर 7 भी लिखता ना तो वो भी वर्थ होता है। यहाँ पे गेट बंद कर दो, दे दे यार थक गया। देखो जगह जो जमीन है वो, साथ ही साथ यहाँ पे जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं वो, जितने भी कैमरे हैं, जितनी भी बाकी चीज़ें हैं, उन सभी को मिला के जो इन्वेस्टमेंट है वो चला जाता है करीब करीब 7 करोड़ के आसपास। और वो सभी मैंने YouTube से, केवल YouTube से नहीं कमाया है। मुझे पता है कि YouTube से, और आप लोगों को भी पता है कि केवल YouTube से आप इतना ज़्यादा अर्निंग नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैंने बहुत सारे बिजनेस ट्राई किए और वो बिजनेस आज तक भी रनिंग है, और उनके अंदर से एक है खेती। जी हाँ गाइस, मैं आज भी अगर टाइम मिलता है तो खेती की तरफ ध्यान देता हूँ और वो सारी चीज़ें काम करती है। उसके साथ साथ में हम करते हैं क्लाइंट वर्क। जी हाँ गाइस, और इन सभी का जो की है वो है सिर्फ YouTube, क्योंकि YouTube पर आने की वजह से ही हमने एडिटिंग सीखी, हमने महंगे या फिर अलग अलग अच्छी क्वालिटी के कैमरे खरीदे, वो सब चीज़ें होने की वजह से और साथ साथ काम सीख लेने की वजह से हमें दूसरे काम भी मिलने लगे। लाइक हम क्लाइंट वर्क करते हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं बाहर की कंपनियाँ जिनका कि हम काम संभालते हैं, हम काम करते हैं। इसी वजह से कभी कभार आप देखते होंगे कि कभी कभार वीडियो एक एक दो दो महीने तक लेट हो जाती है या फिर कभी कभार नहीं आती है, वो इस वजह से होता है। लेकिन सबसे मेन काम है जिसमें हमें मज़ा आता है, जिसे हम दिल से करते हैं, वो है सिर्फ और सिर्फ YouTube। बाकी जो सारे काम हैं वो एक्सपेंसेस निकालने के लिए या फिर जो खर्चे हैं उन्हें मेंटेन करने के लिए, ज़रूरी नहीं कि हर बार आप YouTube से कमाएं। कई बार हम इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट कर देते हैं कि उल्टा घाटे में चले जाते हैं, तो उन सब की भरपाई जो है वो जो साइड वर्क है उससे होता है। और जो YouTube वीडियोज़ है उससे हमें दिल की तसल्ली मिलती है, मज़ा आता है और काम का काम हो जाता है। ठीक है गाइस, तो ये सभी जो कंप्यूटर्स हैं, जितना भी सेटअप है, ये दोनों मिलके होता है। एक यूट्यूब जो क्लाइंट वर्क है वो, और जो दूसरे कुछ बिजनेसेस हैं वो, उन सब की अर्निंग मिला के फिर ही हमने इसे बनाया है। ठीक है, तो केवल यूट्यूब से, हाँ ऐसी बात नहीं कि कमाने वाले नहीं कमाते, कमाने वाले कमाते, इससे दुगना कमाते, लेकिन हमारी वीडियोज़ के अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। अगर रेवेन्यू 100 रुपये है तो करीब करीब 70 से 80 रुपये के आसपास, इतना मान लो, इतने परसेंट के हिसाब से खर्चा हो जाता है। तो ये था 5 करोड़ वाला वो सीन जो कि बिल्कुल सच है। अगर कोई चोर मोर देख रहा हो ना भाई, तो सोच लेना चोरी करने की कोई है नहीं। ठीक है, ये जगह ये सब मिला के है, चोरी करके भी ले जाओगे ना आपको कुछ नहीं मिलेगा। जस्ट किडिंग गाइस, तो अभी मिलाते हैं अपनी टीम से। ठीक है, तो ये है टोपीबाज, इनका नाम है वीरेंद्र, जो कि हाय से हाय से हाय फ्रेंड्स, चाय पी लो। तो इनका जो काम है वो है पोस्ट प्रोडक्शन, लाइक एडिटिंग, और जो क्लाइंट वर्क है वो, और लाइक थंबनेल्स वगैरह जो आप देखते हैं वो इन्हीं के द्वारा एडिट किए जाते हैं। ठीक है, और एडिटिंग और जितना भी जो टेक्निकल काम है वो सारा काम ये भाई संभालते हैं। इनका नाम है वीरेंद्र, और आप लोग कंफ्यूज होते हो हर बार, ये वीरेंद्र है ये रविंदर है, ये इसको रविंदर बोलते हैं पब्लिक, इसको वीरेंद्र बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। ये रविंदर, मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ, कभी इसको वीरेंद्र बोल देता हूँ, हाँ रविंद्र, हाँ वीरेंद्र। और उसके बाद में ये है भूपेंद्र, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया एडिटिंग। ठीक है, उसके बाद में ये हमारे अकाउंटेंट साहब हैं, पैसे वैसों का ख्याल ये ही रखते हैं, तो अगर उठाना हो तो इससे उठाना, मुझे मत उठाना, इसको उठा लेना तो पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल। तो उसके बाद में आ जाते हैं गोविंद भाई, जो कि शुरू से आप देखते ही जा रहे हैं, और इनका जो काम है वो है जो दूसरा टेक्निकल से लोग, जो हार्डवेयर लाइन है ना, वो सारा काम इनका है। लाइक कौन सी चीज़ चाहिए, पाना कहाँ है, 17 नंबर 18 नंबर 20 नंबर, कौन सी मशीन, कटर वटर प्लायर व्लायर, वो सारा काम इनका है। उनके बाद में आ जाते हैं प्रताप जी, ये सेफ्टी डिपार्टमेंट के हेड है, कि अब कौन सी वीडियो बन रही है, कहाँ क्या चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, सूट चाहिए, क्या क्या चाहिए, जूते पहने, किसको चश्मा पहने, किसको कहाँ पर रहना है, वो सारा काम ये देखते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं बलवीर जी, ये ऑलराउंडर हैं, ये सभी काम करते हैं, जो काम बता दो वो कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भले कोई सा काम दे दो बस कर लेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद में अपन आ जाते हैं पायलट साहब, तो ये पायलट साहब है, ड्रोन के पायलट हैं, हमने आपको बता ही दिया है। ये एक और मोटे भाई, ये कुछ नहीं करते, बस खाते हैं, मस्त रहते हैं, कोई काम नहीं करते कोई काम नहीं करता ये। ठीक है, उसके बाद में ये आ जाते हैं महावीर जी, और अभी इनको काम नहीं देते हैं क्योंकि ये सीख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आते हैं चमन जी, ये इलेक्ट्रिकल, हाय से हाय। तो ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, ये लाइट का कोई भी काम होता है बिजली से रिलेटेड, तो वो काम ये संभालते हैं। तो ये तो हो गई टीम, और अब बात करते हैं भाई, आप ये भी क्वेश्चन होता है यार, सैलरी कितना देते हो? तो भाई सच बात बोलूं, हम में से कोई भी पैसे के लिए काम नहीं करता, कोई भी नहीं, हम बस काम करते हैं क्योंकि हमें इस काम के अंदर मज़ा आता है। और जो भी होता है वही बात है ना, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। कद्दू कटता है क्या करता है,
हाँ कद्दू कटेगा सब में बटेगा, तो वो वाला सीन है जिसको जितना चाहिए होता है ले लो, कोई रोक टोक नहीं है भाई ये वो, या फिर अगर गाड़ी माइनस में जा रही है तो सब माइनस में जाते हैं, गाड़ी प्रॉफिट में जा रही है, किसी को घूमना है, किसी ने भी एक बंदे ने कह दिया यहाँ पे घूमने चलना है तो हम निकल जाते हैं, फिर वो सारी चीज़ें उसी में, किसी को ज़रूरत होती है, किसी की कोई भी दिक्कत आती है अपनी फैमिली में या किसी में कहीं पे भी, तो दिल खोल के भाई किसी के लिए कोई मना नहीं है, सैलरी बेसिस पे यहाँ पे कोई भी काम नहीं करता, ये आपकी गलत फहमी, जो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो टोटली रॉन्ग है भाई। यारी दोस्ती में अगर पैसा आ गया तो फिर आपको बताया कि दोस्ती टूट जाती है, और मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहता, ठीक है। तो ये थी हमारी टीम, हम कुछ लोग हैं जो कि आपको खुश करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, और ये देखो ये मैं आपको बताने वाला था, ये जो शर्ट कर्टेन है ये यहाँ से खुलता है इस तरीके से, और यहाँ से पूरा व्यू आ जाता है, ठीक है। ये देखो ये इसलिए है क्योंकि सारा काम चलता रहता है, तो बाहर लोग काम कर रहे होते हैं उनको कुछ बताना होता है तो खिड़की खोली ओए ऐसा चलता है, ठीक है, इसीलिए है। और ये रूम इस रूम की एक खास बात और है, अगर बाहर से कोई बंदा आता है ना इसके अंदर तो वो आएगा तो उसको कुछ देर के लिए हेलुसिनेशन फील होगा अजीब सा, क्योंकि यहाँ पे है ना वॉइस रिवर्ब नहीं होती है, क्योंकि ये पूरा एकोस्टिकली ट्रीट हुआ हुआ है, यानी इसके अंदर ना आवाज़ गूंजती है, और गूंजती नहीं है तो दिमाग कन्फ्यूज हो जाता है, और जय राम जी की फिर, ठीक है। तो ये था गाइस छोटा सा स्टूडियो, आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, और जो इंटरनेट पे गलत सलत वीडियोस बनती है ताकि वो ना बने, जो भी बने बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रियल बनाओ, तो रियल के लिए हमने सारी चीज़ें आपको दिखा दी है। और एक चीज़ जाते जाते आपसे कहूँगा, चाहे मैं चाहे मेरी टीम कोई कहीं पर भी चल जाए, यहाँ से यहाँ आ जाए, चाहे यहाँ से यहाँ आ जाए, लेकिन हमारे पैर ज़मीन पर ही रहेंगे। और एक और चीज़ फिर से, जिस खून में जोश नहीं वो साला खून ही नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।